पापा एक बात तो बताओ। अच्छा बेटा तू दो पूछ। ये नशा कहाँ से मिलता है? हैं? नशे का तूने क्या करना है? आजकल सब स्मोकिंग करते हैं। करते हैं पर है तो गलत ना। बात तो ठीक कह रही है, गंदी बात है। You are right। अम्मा बस यही नहीं, आज जो मैं इतना अच्छा कारोबार रन कर रहा हूँ ना, उसमें असद भाई का बहुत हाथ है। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। शायद अगर असद भाई की जगह मेरा सगा भाई भी होता ना, वो भी इतना ना कर। सच कह रहा है बेटा, दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे, शादाबाद रखे। आमीन। हाँ अम्मा। ये लीजिए। पापा इसमें तो ऐसी बहुत सी चीजों की मालूमात है जिनका आम लोगों को पता भी नहीं होगा। बेटा इसीलिए आपको दिए ना पढ़ने के लिए। लेकिन स्कूल्स, कॉलेज, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी की किताबों में भी हिस्ट्री को ऐसे नहीं बयान किया गया है। देखो बेटा ये किताब मैंने आपको इसीलिए दी है कि आप इसको पढ़ें, समझें, ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो सके। ये जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं ये सब बेसिक होता है। अगर आपको हिस्ट्री जाननी है तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और वो भी वो वाली किताबें जिसमें तमाम मालूमात आपको मिले। अभी जो मैंने आपको किताब दी है, आपको पता है इसमें आपको बादशाह अकबर के बारे में, चौधरी अकबर के बारे में, उनकी सल्तनत के बारे में तमाम मालूमात बहुत तफसील के साथ पता चल जाएगी। और मजे की बात, ये जो मंगल और बुध को गोश का नागा होता है, जरा पढ़िएगा और जानिएगा क्यों होता है, मजा आएगा आपको। That's so interesting. इसको मैं तो जरूर पढ़ूंगी, तो बहुत अच्छी किताब है। तो इस खुशी के मौके पे जब आपका दिल खुश हो रहा हो तो अपने बाबा को एक कप चाय पिला दे। ओह अल्लाह, एक कप के लिए बाबा आपने मुझे इतनी लंबी स्टोरी सुना दी है। लेकर आती हूँ। बाबा वैसे अम्मा आपको आजकल मशगूल नहीं लग रही? मशगूल मतलब? मतलब पहले तो इतनी जल्दी नहीं सोया करती थी और अब इतनी जल्दी सो रही है। बेटा थक जाती है, यू नो एज फैक्टर। बस कर दें, अब इतनी बुढ़ी भी नहीं हुई कि आप ये बात बोल रहे हो। एक बात बताऊं बेटा, जब किसी माँ को ये तसल्ली हो जाती है कि उसकी शहजादी बड़ी हो गई है, वो चाय बना सकती है अपने बाबा के लिए, और वो भी बहुत अच्छी वाली। ये तो है, चलो मैं चाय लेके आती हूँ। औलाद की खुशी के लिए माँ बाप को झूठ भी बोलना पड़ता है, इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। तुम लोग भी अजीब हो यार, अपने जैसा बना दिया। और बाबू अच्छी खासी क्लासेस में आती थी, अब बंद करके बैठी हुई है, आई नहीं। तो तुम्हें क्या मसला है, गई होगी तफरी करने? इसकी तो अभी क्लास भी नहीं है। तुम्हें बड़ा पता है उर्वा कहाँ? हाँ तो मेरी भी तो क्लास नहीं है, मैं कैसे यूनिवर्सिटी आया हूँ? मेरा तो दिल चाह रहा है फिर वो जैसे ये ड्रग्स ले रहा है ना, उसका जाके ड्रम बजा दे। तो तुम मेजर अंकल से बोल के उसका कोर्ट मार्शल भी करा देती। एक बार मेजर अंकल मिल गया ना तो हम सबने मिलके कोर्ट मार्शल करा देना उसका। लेकिन हमें सबसे पहले ये पता लगवाना होगा कि कौन कौन ड्रग्स लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक बंदा ड्रग्स लेता है तो और भी बहुत से लोग इसका शिकार होंगे। यार अगर और भी लोग हैं यूनिवर्सिटी में ऐसे तो फिर तो ये बड़ा बैड सीन हो जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा? हम सब ढूंढ लेंगे, और फिरोज के बारे में तो रेहान ने बता दिया, बाकी वो कौन बताएगा यार? शर्फू। शर्फू? 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 हाँ गाइस, शर्फू भाई, शर्फू भाई की ड्यूटी लगाएंगे कि वो पता लगवाएं कि कौन कौन ड्रग्स ले रहा है और वो इस खबर को बेचेंगे। हाँ अब समझ आ रहा है। हाँ मतलब
जो लोग मशकूक हैं और स्मोकिंग करते हैं उस पर शानी मानी नज़र रखेंगे, और शानी मानी को एक छोटा सा ड्रामा भी करना पड़ेगा जिसपे उर्वा को भी राजी करना होगा कि वो उनका साथ दे। यार ऐसा ना करो, ये बहुत ही रिस्की काम है, उर्वा लड़की है कैसे करेगी। अरे कोई रिस्क वाला काम नहीं है, उर्वा इससे ज्यादा रिस्क वाले काम कर सकती है, वो चिल बंदी हो कर लेगी, डोंट वरी, वेरी स्ट्रांग वुमन। देखो सबसे पहले शानी मानी, टीना मीना और उर्वा ये पता लगवाएंगे कि कौन कौन लोग ड्रग्स लेते हैं, फिर उसके बाद शर्फू भाई उनको खबर भेजेंगे क्योंकि शर्फू भाई के पास ड्रग्स भी होंगे उस वक्त, मतलब सस्ते भी होंगे और टिकाऊ भी। जो जो लोग ड्रग्स को खरीदेंगे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन ड्रग्स ले रहे हैं। यार मुझे लगता है ये बीमारी अब तक सिर्फ फिरोज को लगी है, किसी और को लगी होती तो यूं चार ढाल से पकड़ लेता मैं। मेरी साइंस कहती है, तुम्हें कैसे पता ये बात? ओ भाई मेरी हिस्ट्री को पता है, कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। तुम्हारी हिस्ट्री बात पहले नहीं बता सकती थी तो तुम लोग पहले ही अपने झगड़े खत्म कर लेते, आपस में लड़के जो बैठे हुए थे। अरे 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 बस करो बस करो, अब ये शुक्र अदा करो कि मास्टर दोबारा से इकट्ठे हो गए, अब हम लोग दोबारा से मिलकर लोगों की मदद करेंगे। हम आज से ही इस काम पे लग जाते हैं यार। मैं टीना मीना से बात करती हूँ, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, वो बहुत अच्छा एक्ट कर लेंगी। गाइस मैं क्या कह रही हूँ, हम लोग ना बहुत खामोशी से देखते हैं कि किस किस में सिम्टम्स हैं वो वाले जो फिरोज में, ताकि हमें पता चल सके कि एक्चुअली नशा कौन कर रहा है कौन नहीं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो मास्टर्स अब हम लोग चलते हैं अपनी अपनी क्लासेस में और अपने साथियों का पता लगवाते हैं कि उनमें से तो कोई ड्रग्स नहीं ले रहा। मुझे तो सोच सोच के कोफ्त हो रही है यार, कसम से कैसे कर सकता है ऐसा। खैर हो गया, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। यार दरअसल सारे मसला पता है क्या है, हम कभी इन सब चक्रों में पड़े भी नहीं ना कि हमें पता हो कि नशे ही दिखते कैसे हैं। वीडियोस में तो पता चल रहा है ना, बस फिर इन सिम्टम्स को देखते हुए पता लगवा लेंगे कौन कौन ड्रग्स करता है। काम तो बड़ा रिस्क वाला है, लेकिन हम एक एक लड़के को पकड़ के कल से छानबीन करना शुरू करते हैं। कल से फिर फाइनल बैटल शुरू होगी। हाँ। अरे क्या बात है, आज तो आर्यन आया है। सलाम अलैकुम असद भाई, कैसे? बिल्कुल ओके की रिपोर्ट, आप कैसे, काम कैसा चल रहा है? यहाँ पे भी सब ओके। बैठे बैठे। सलाम अलैकुम असद भाई। वालेकुम सलाम। ये क्या है? ये वो असद भाई तुम लोग इतना घबरा क्यों रहे हो, और ये किस बारे में पढ़ रहे हो? ये हमारा नहीं है असद भाई। तुम्हारा नहीं मतलब क्या छुपा रहे हो तुम लोग मुझसे? क्या है तुम्हारे पास, दिखाओ मुझे। असद भाई वो तो हमने छुपा दिया है, वो यूनिवर्सिटी में एक लड़के के पास से ड्रग्स मिला था सफेद कलर का। तो तुम ये घर ले आए? हम लोग तो बस जो लोग ये बेचते हैं उन तक पहुंचना चाहते हैं, वो लोग हमारे बच्चों का मुस्तकबिल पर बात कर रहे हैं। हाँ असद भाई पता नहीं किस तरीके से इन मासूम बच्चों तक ये लोग पहुंच जाते हैं, और एक पुड़िया, एक इंजेक्शन, एक पैकेट और सारी की सारी नस्लें बर्बाद। हमें ऐसे लोगों तक पहुंचना है, उनको ढूंढना है। बात तो तुम लोग ठीक कर रहे हो, ये नासूर हमारी कौम को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा रहे हैं। तो फिर क्या हम उनके खिलाफ आवाज भी ना उठाएं? असद भाई हम इन लोगों को पकड़वाएंगे और पुलिस के हवाले करेंगे ताकि इन सबको सख्त से सख्त सजा मिल सके। ये ड्रग्स बेचने और लेने वालों को ना उम्र क्या जब फांसी की सजा होनी चाहिए। दुआ करो तुम लोग उन लोगों तक पहुंच जाओ, ये जिन की तरह होते हैं, जिसे चाहे नजर आते हैं और जिसे चाहे अपने काबू में कर लेते हैं और छप जाए गायब हो जाते हैं। मैं जरा अम्मा से मिल लूं। इनको तो काफी पता है इसके बारे में, चल देखते हैं। ये क्या है? मुझे तो खुद कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तुम्हारे अब्बू से पूछे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहती अम्मी अब्बू को इसमें इन्वॉल्व करना, बिना वजह परेशान होंगे।
यार जिस हालत में वो बच्चा है। जाहिर है लीजिए, कोई समझदार बंदा थोड़ी बेवकूफी वाली हरकत करेगा। रोज की जो हालत है, अगर उसको एड्स हो गई तो? अगर हो चुकी हुई तो? Oh my God, मुझे तो जितना इस चीज के बारे में पता चल रहा है मेरा दिल उतना खराब हो रहा है। यार अली से हमें किसी भी तरीके से ना फिरोज का ब्लड सैंपल निकलवा के ना टेस्ट करवाना पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हो तुम, कैसे होगा ये सब? पता नहीं यार, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। परेशान तो मैं भी हो रही हूँ, लेकिन जल्दबाजी में हम कोई फैसला नहीं कर सकते। बस किसी तरीके से ये रात खत्म हो जाए। रात तो गुजरनी है, बस सुबह का इंतजार करो। यार मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया, चल ही नहीं रहा है। देखो खुद को इस तरह परेशान करने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ काम बिगड़ जाएगा। बात कहूँ, उर्वा के लिए ना मेरे दिल में एक अलग ही इज्जत बन गई है। हाँ, जिस काम को करने का जुम्मा उसने अपने सर लिया है, हम तो सोच भी नहीं सकते। पता नहीं यार इस जहर का इस्तेमाल कौन कौन कर रहा होगा। पता नहीं क्या कह सकते हैं। तुम एक काम करो ना, तुम आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह चली जाना यूनिवर्सिटी। यार मैं रुक जाती लेकिन डैड इस्लामाबाद गए और दादी अकेली हैं। अच्छा चलो ठीक है। देखो हुरैन, मैं बस ये कहूँगी कि हमें अभी होशोहवास में रह के अपने आप को मजबूत रखना होगा। अब इस बात को तो यार सुबह ही पता चलेगा। तो ये मसला है। आज एक और लड़के को देखा है, वो भी ड्रग्स लेता है, मशकूक लगता है। मशकूक सेलर है या बायर? बायर लगता है। तो उसने बताया कहाँ से खरीदता है वो? दोस्ती कर ली मैंने उसके साथ, तू फिक्र ना कर, पता लगा लूंगा मैं। चल प्यार मोहब्बत से निकलवा लेना कि कहाँ से खरीदता है, बता देगा। बता रहा था मोहल्ले से खरीदता है अपने। नहीं ऐसा तो नहीं है कि वही सेलर हो? मुझे नहीं लगता, लेकिन फोन नंबर है मेरे पास, बातों बातों में निकलवा लूंगा उसे, टेंशन है। तो जाना हो तो ख्याल से जाना यार, ऐसा ना हो कि किसी नई मुश्किल में फंस जाए। यार मुश्किल में फंसना ही है, इधर भी सही कहीं बाहर सही। बस यार असल में जो जहर बेचने वाले होते हैं ना वो तो बेचते ही हैं, लेकिन ये जो खरीदने वाले होते हैं ना इनको रोकना होता है। यार मुझे समझ नहीं आती कि आखिर लोग पीते क्यों हैं, क्या मिलता है उन्हें पी के, क्या उन्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? बस यानी देख हम कितनी मेहनत करें इसके बारे में, अगर एक भी लड़का छोड़ गया ना ड्रग्स लेना, तो समझ लेना कि अल्लाह ने हमारी मेहनत का हमें सिला दी। नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम अपनी मेहनत जारी रखो, देख लेंगे क्या होता है। नहीं टेंशन ना ले, मैं देख रहा हूँ उसे, पूरी नजर है मेरी। अरे दोनों में यार स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत होती है, और आजकल कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, और सब लोग शौकिया। जेन्युइन बात है यार। अरे तू बता, पढ़ाई शायद ठीक लग रही थी? हाँ बहुत आला यार, आजकल तो बस इन्हीं चक्करों में है कि अपनी ये कैंपेन कामयाब हो जाए। हो जाएगा, टेंशन ना ले, हो जाएगा, कर लेंगे। कैसा है, खैरियत से? अमन है ना घर में? तो ओह माय गॉड, क्या करते हो रिस भाई? ओह माय गॉड, बता तो दिया करो बोलने से पहले, अभी कपड़े खराब हो जाते। शरफू भाई हो गए, कपड़े तो नए आ जाएंगे, लेकिन जो जा रहा है ना वो वापस नहीं आएगा। जाने नहीं देंगे बेटा, तीन लोगों को खबर भेज दी है। क्या नतीजा निकला? नतीजा भी निकलेगा। अरे भाई कब आएगा वक्त? वक्त गेट की तरह मुट्ठी से निकल रहा है हमारी। कीचड़ बना देंगे, हाथ धोने से ही अलग होगा। सही कह रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? पहली बार कोई काम की बात किया आपने शिफू भाई? हाँ तुम्हारी मोहब्बत का असर है आर्यन। गोले गंडे की तरह कपड़े पहनते थे और अब देखो इसे टाई लगाकर प्रोफेसर की तरह बातें कर रहा है, पहले तो ऐसा नहीं था। हाँ बाकी पहले तो ऐसा नहीं था। अच्छा ये बताओ कुछ पता चला? हाँ शिशु भाई दो लड़के और भी थे। ओह माय गॉड, दो लड़के? क्यों यार क्यों? यही क्यों तो हम जानना चाह रहे हैं शिशु भाई।
मुझे तो उन बच्चों के माँ बाप का सोचकर दुख हो रहा है। कितनी मुश्किल से बच्चों को बड़ा करते हैं और बच्चे आखिर में ये सब करते हैं। इसमें माँ बाप का भी कसूर होता है। वो ठीक कह रहे हैं भाई, इसमें माँ बाप को नजर रखनी चाहिए अपने बच्चों पे कि कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और खास तौर पे जब बच्चा घर पहुंचे तो किस हालत में घर पहुंच रहे। ये तो है, ज्यादा पैसा हो तो भी, पैसा ना हो तो भी, डिप्रेशन इंसान को किस हद तक ले जाता है। शिफू भाई, अगर माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करके माशरे के हवाले करने के बजाय उनसे दोस्ती कर लेना तो ये सब हो भी ना। यार तुम लोग भी तो, तुम्हें से कोई सिगरेट पीता है? भाई मैं अपने अब्बा का बेस्ट फ्रेंड हूँ, रोहान अपनी अम्मा का, और इनकी साइंस तो आप जानते ही हैं, अपने अम्मा अब्बा की कितनी अच्छी दोस्त है। और फिर सारे में अपनी अम्मा और बहन के अलावा किसी और चीज को टाइम भी नहीं देता। बिल्कुल समझ गया। पता है इस नस्ल को यही समझाना है कि गली के हर नुक्कड़ पर भेड़िए बैठे हैं घाट लगाकर, उनसे बचना है। और वालिदैन को क्या समझाना कि ये नस्ल जो बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगी, पहले इस नस्ल को तो सहारा दे, अपने बच्चों को अपना बेस्ट फ्रेंड बना ले, मसले हल हो जाएंगे सारे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सुनो, तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने। क्यों आंटी, कहाँ जाना है? अरे भाई तुम्हें अगवा थोड़ी करूंगी, शॉपिंग पे ले जा रही हूँ तुम्हें, ठीक है? अच्छा सुनो, मैं फोन रख के 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी, जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा ठीक है, चले मैं 5 मिनट में रेडी हो जाती हूँ। चल ओके, खुदा हाफिज़, सी यू। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि ये सब कुछ मेरी नाक के नीचे चल रहा था और मुझे कानो कान खबर नहीं हुई। मैम वॉशरूम में तो लड़की खुलेआम ड्रग्स ले रही है। मैम मुझे तो लगता है कि ये माहौल अचानक खराब नहीं हुआ है, जरूर कोई पहले से यहाँ पर ये चीजें लाता होगा। सारे मास्टर्स का मास्टरमाइंड, उसकी इतनी औकात रुहान की जगह नहीं लेगा। उसने रुहान की जगह ले ली और मुझे पता भी नहीं चला, कितनी स्टुपिड थी मैं। आखिरकार हुरैन ने मुझे वो मकाम दे ही दिया जिसका मैं हमेशा रुहान को हकदार समझता था।